बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम इस तकरीब के इंतज़ामिया सिमाबिया रोपसल साहब और स्टेज पे बैठे तमाम साथी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर हमारी बहनें भाई और बुज़ुर्ग। अस्सलाम वालेकुम। वलीद साहब ने जो शायरी की और जिस तरह अपने दादा की जो उसकी मशहूर नातिया कलाम आपके सामने रखी, हकीकत यह है कि हमारे लिए हज़रत अल्लामा इकबाल बहुत बड़ी इंस्पायरिंग है, और उनसे हम वो स्पिरिट, वो जोश और जज्बा हम लेते हैं जो हज़रत अल्लामा इकबाल ने इस पाकिस्तानी कौम को एक नया ख्वाब दिया जिसकी वजूद के तौर पर पाकिस्तान वजूद में आया। 23 मार्च हमारे लिए एक नए अहद व पैमा का दिन है, और हमने सोचना है कि 23 मार्च की जो कमिटमेंट थी, जो रेजोल्यूशन था, आया वो कमिटमेंट, वो रेजोल्यूशन आज पूरा हुआ है। क्या उस कमिटमेंट पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था कि पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां इस मुल्क में शरीयत का कानून आया, जो तस्वर था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट होगा जहां तमाम शहरियों के हुकूक बराबर होंगे, जहां अलाकाईत की बुनियाद पे तकसीम नहीं होंगी, जहां अकीदे की बुनियाद पे तकसीम नहीं होंगी, जहां तमाम शहरियों के हुकूक बराबर होंगे और किसी को यह हक नहीं होगा कि वो अपने पसंद और नापसंद की बुनियाद पे फैसले करे, बल्कि वो कानून और आईन का ताबे होगा। वो पाकिस्तान, आज वो पाकिस्तान, वो हमारे बुजुर्ग हमसे सवाल करते हैं कि वो पाकिस्तान जिसकी जिस मकसद के लिए बना था वो पाकिस्तान आज कायम नहीं है। मेरे तो अभी अकीदा, मैंने इमरान खान के साथ पिछली भी कहा था कि जिंदगी का लंबा अरसा गुजरा है, मेरे भाई बैठे हैं, काफी हमारी स्ट्रगल रही है, ये हमारे अकीदे का हिस्सा बन गया है कि हमने इस पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाना है, वो मुल्क बनाना है जहां इस मुल्क की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट हो। और जब एक कौम अपने मकसद के लिए जद्दोजहद नहीं करती, अपने मकसद के लिए बात नहीं करती, वो कम आगे नहीं बढ़ती। इसलिए आज हमने अहद करना है कि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान होगा जहां कानून और आईन की अमलदारी होगी, जहां कानून की हुक्मरानी होगी, जहां हमारे अरब बच्चे को तालीम की बुनियादी सहूलत मिलेगी, इलाज की बुनियादी सहूलत मिलेगी, रोजगार के इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, और कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकेगा। तो ये एक ख्वाब था, एक तस्वर था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि न मुल्क में कानून है, न मुल्क में आईन है, अमलन आईन मातल हो चुका है, अमलन इस मुल्क में सबसे बदतरीन इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है। जिस तरह हमारे ख्वातीन इस वक्त जेलों में, जिस तरह हम खासकर पंजाब में, मैं बात करूंगा कि पंजाब में तो अभी जलसे जुलूस की भी इजाजत नहीं है, पंजाब एक पुलिस स्टेट बन चुका है, और आप अपनी मर्जी से पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से अपने फैसले नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ पूरे पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये वो पाकिस्तान है?
ये वो कायदे आजम का पाकिस्तान है जिस मकसद के लिए बना था कि पाकिस्तानी अपनी ख्वाहिशात, अपनी सोच, अपनी मर्जी से वो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, उनको फैसले की आज़ादी होगी, उसको मूवमेंट की आज़ादी होगी, वो पाकिस्तान। इसलिए मैं आज आपके सामने ये अहद करता हूँ और उम्मीद है आप लोगों से भी, ये हमारी लीडरशिप भी, कि हमने वो पाकिस्तान बनाना है जो कि कायदे आज़म जिस पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। मैं इसलिए आज हम ऐलान करते हैं कि जो कोई सोचता है कि वो अपनी मर्जी से इस मुल्क को चलाएगा, अगर कोई जो सोचता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा, अगर कोई सोचता है कि उसकी मर्जी से लोग आगे पीछे होंगे, पार्टी में होंगे, वो वक्त गुजर गया है, वो खत्म हो गया है इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये भी कहूं, अभी जिन इंतखाबात आ रहे हैं, मैं गौर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा अपना शेड्यूल बनाए पंजाब का, मैं तमाम जितने भी लीडरशिप इधर बैठे हैं पंजाब की शेड्यूल बनाए। ये किसी की है, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। हमने कानून और आईन के मुताबिक अपनी जद्दोजहद रखनी है। हम अपनी जिन इंतखाबात में इंशाल्लाह अवाम के पास जाएंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। हमने तो कभी तशद्दुद नहीं किया। 9 मई के रट लगाए हुए हैं, हम कहते हैं बिल्कुल आए उस पर आजाद जुडिशियल कमीशन बनाए, पता चल जाए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, पता चल जाएगा कि इसके पीछे मोहसिन नकवी और आईजीपी पंजाब के कोई और है इसके पीछे, पता चल जाएगा। ये बात याद रखे, आप हमें दीवार से ना लगाएं, अलग चीज की एक हद होती है और आप अपने तमाम हदूद को क्रॉस कर चुके हैं। मुझे, मैं यकीन से कहता हूं, ईमान से कहता हूं कि न मत तुम्हारी परवाह है, न तुम्हारी ख्वाब है, और अगर तुम्हारी ये ख्याल है कि हम तुम्हारे से कोई डरेंगे, हाँ हम पुरमन लोग हैं, कानून के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन हमें उस तक ना ले जाओ कि फिर हालात तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होंगे। तुम्हारी हमें के साथ फैसले करो, तुम बड़ी बड़ी डिसीजन लो, तुम्हारे पास तो मैंडेट नहीं है। तुम जो असेंबली में बैठे हो, तुम तो जारी, तो तुम तो मुस्तरद शुदा हो, तुम तो रिजेक्टेड हो। तुम किस बुनियाद पे, तुमने हमारे अवाम की वोटों की तोहीन की है, मैंडेट की तोहीन की है। क्या ख्याल है, ये भूल जाएंगे? क्या हम इससे पीछे होंगे? क्या हम डर जाएंगे इससे? याद रख के, जब तक हम अपना मैंडेट वापस नहीं करेंगे, जब तक अपने अवाम का हक वापस नहीं लेंगे, इंशाल्लाह तुम्हें चैन से बैठने नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान हमारा है, हमें अफसोस है इस वक्त कि हमारे सरहदात पे हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है। हमें पड़ोसियों के साथ डिप्लोमेसी के तहत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। इंडिया के साथ पहले से हमारे ताल्लुकात खराब है, अफगानिस्तान के साथ जो हालात है इसमें हमें शदीद तश्वीश है, और हम समझते हैं कि हालात की नज़ाकत को सामने देखते हुए हमें अपनी डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक चैनल को इस्तेमाल करना चाहिए। इस मुल्क को इस वक्त जरूरत इस बात की है कि इस मुल्क को कानून आईन के मुताबिक चलाएं। मैं इस 23 मार्च की बाबरकत दिन के तवसुस से और हमारे अपने वकला साहिबान के तवसुस से, अपनी चीफ जस्टिस साहब काजी पाजी साहब, हम बड़ी उम्मीद रख रहे थे आपसे, बड़ी उम्मीद रख रहे थे। आपने जब कहा कि मैं आईन के मुताबिक चलूंगा, कानून के मुताबिक चलूंगा, मुझे अफसोस है आपने आईन और कानून का रास्ता नहीं अपनाया, आपने नहीं अपनाया। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि अगर अब भी आपने अपनी गलतियों का एहसास नहीं किया तो आपके कुछ दिन है चले जाएंगे, तारीख में आपका नाम अच्छा याद नहीं रखा जाएगा। मेहरबानी करे, आईन और कानून के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक फैसले करे। जो भी जिम्मेदार है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, इसको अकाउंटेबल बनाए ताकि ये मुल्क आगे चले। हमारे नौजवानों में मायूसी फैल रही है, हमारे नौजवानों में इस वक्त
लेकिन मैं अपने नौजवानों को कहता हूं कि इमरान खान वो लीडर है जिसने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, वो इस वक्त जेल में है लेकिन आपके लिए है और इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के आवाम के लिए है। इमरान खान इंशाल्लाह ताला, इमरान खान इंशाल्लाह इस मुल्क को इस बौर से निकालेगा। यहां इस मुल्क में जो नफरतें बन गई है, इमरान खान वाहिद लीडर है। जिस तहरीक इंसाफ में यहां शिया भी है, यहां सुन्नी भी है, यहां पख्तून भी है, यहां पंजाबी भी है, यहां सिंधी भी है, यहां महाजर भी है, यहां कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं। ये तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का एक खूबसूरत गुलदस्ता है, इत्तेहाद का, यकजहती का, इत्तेहाद का, यकजहती का गुलदस्ता है। ये पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान के ऊपर जो भी उंगली उठाएगा, पाकिस्तान को बुरी नजरों से देखा गया तो हम वो आंखें निकालेंगे जो पाकिस्तान के ऊपर बुरी नजरें दिखाए पाकिस्तान। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो लीडर जिसने पूरी कौम को मुत्तहिद किया, आपने इसको जेल में डाला है, जिस लीडर ने शौकत खानम अस्पताल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई और कौम के खातिर, वो पाकिस्तान का कायद इमरान खान इंशाल्लाह बोल जल्द निकलेगा और इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।